दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जल्द ही खत्म होगा इंतजार, पीएमसीएच में भर्ती मरीजों को 20 जनवरी से मिलेगी दीदी की रसोई। बढ़िया भोजन पाने के लिए पीएमसीएच के मरीजों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। अब दीदी की रसोई का उद्घाटन 19 जनवरी को किया जाएगा, जबकि मरीजों को भोजन जो है 20 जनवरी से सर्व किया जाएगा। इसकी पुष्टि अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने कर दी है। मरीजों को दो बार भोजन, सुबह में नाश्ता और शाम को स्नैक्स की व्यवस्था की जाएगी। कोशिश ये होगी कि मरीजों को गर्म खाना सर्व किया जाए, साथ ही साथ अलग अलग बीमारियों से पीड़ित मरीज को उसी के मुताबिक भोजन दिया जाए। अगली खबर, राज्य में बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षकों की विभागीय जांच शुरू होने के साथ ही फर्जी बहाल शिक्षकों की पोल खुलने लगी है। ऐसा एक मामला मुजफ्फरपुर से भी सामने आया, और जहां पर शिक्षा भवन में हो रही जांच के दौरान एक फर्जी शिक्षक को पकड़ा गया। हालांकि फिलहाल शिक्षा विभाग की तरफ से चिन्हित किए गए फर्जी शिक्षक की पहचान शशिभूषण कुमार के रूप में की गई है, और फर्जी शिक्षक की तैनाती मुरौल के एक विद्यालय में की गई थी। एक और बड़ी खबर, युवाओं के हाथ में है राजधानी की कमान। पटना में 49 लाख मतदाता और इनमें 21 लाख जो है 40 से कम उम्र वाले हैं। पटना जिले में 44% मतदाता युवा हैं, और जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 49,02,779 है, और इनमें 21,11,197 मतदाता 18 से 39 साल के उम्र के हैं, जबकि 40 से 59 साल के मतदाताओं की संख्या 19,09,270 है। अगली खबर की बात करें तो नाबालिग छात्रा से रेप मामले में 10 साल की सजा। नशीला पदार्थ खिलाकर दिया था वारदात को अंजाम, 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पटना में कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से रेप मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, और साथ ही 20,000 रुपये की आर्थिक दंड भी लगाए गए हैं। जुर्माना नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अधिवक्ता सुरेश कुमार चौधरी ने बताया कि स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने परसा थाना कांड संख्या 44/19 मामले में जेल में बंद जावेद उर्फ जावेद कुरैशी को नाबालिग बच्ची से रेप मामले में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अगली खबर, फुलवारी शरीफ मामले में एएसआई नरेश प्रसाद किए गए निलंबित। पटना एसएसपी राजेश मिश्रा ने फुलवारी शरीफ दुष्कर्म मामले में एएसआई नरेश प्रसाद सिंह को सस्पेंड कर दिया है, और लापरवाही बरतने के चलते ये कार्रवाई की गई है। जांच के लिए फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल अधिकारी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस मामले में मदद करने वाले शख्स को पटना पुलिस ने 50,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। बता दें कि इस मामले में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली दो सहेली जलावन लाने के लिए घर से निकली थी, और इस दौरान दोनों सहेली लापता हो गई। हालांकि कई घंटों के बाद परिवार के लोगों को सूचना मिली कि दोनों का शव घर से कुछ दूर एक खाली प्लॉट में पड़ा है। परिजन वहां पहुंचे तो देखा कि एक बच्ची बदहवास बैठी थी, और जबकि दूसरी बच्ची का शव प्लॉट के एक बाउंड्री के नजदीक पड़ा था। अगली खबर, बिहार में न्यू रिजर्वेशन बिल पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। बिहार में आरक्षण की नई नीति पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच में सुनवाई होनी है, और जहां पर महाधिवक्ता पी के शाही राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। इससे पहले पटना हाईकोर्ट में न्यू रिजर्वेशन बिल की चुनौती देने वाली याचिका पर 1 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार को 12 जनवरी तक जवाब देने को कहा था, और याचिकाकर्ता की ओर से रोक लगाने वाली मांग को बेंच ने रिजेक्ट कर दिया था। वही अगली खबर की बात करें तो बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद के कार्यभार का परित्याग कर दिया है। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने कहा कि हम उनके मन में हम थोड़े ही बैठे हैं, उनके मन में जो आया वो किए, उनके मन में काम करने का मन नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दिए, और ये बातें बेगूसराय में पत्रकार से चर्चा के दौरान कही गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला किया, और कहा कि भगवान में सब आस्था रखते हैं, बीजेपी वाले जो हैं आस्था को बेचकर भाई भाई को लड़वाना चाहते हैं। अगली बार बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। राम मंदिर से जुड़ा है कनेक्शन, बिहार को इसी महीने एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। नीतीश सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सराय रंजन प्रखंड के नरघोगी में बनकर तैयार श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज का 21 जनवरी को समस्तीपुर में नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे, और उसी दिन से वहां पर ओपीडी सेवा भी शुरू हो जाएगी। इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 500 बेड पर इलाज की सुविधा होगी। वहीं 100 सीटों पर MBBS में दाखिले की तैयारी है। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस खास कार की करेंगे सवारी। एक बार चार्ज होने पर 600 किलोमीटर तय करेगी दूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही नई कार में सफर करते नजर आएंगे।
लंबे समय से इलेक्ट्रिक कार में चल रहे नीतीश कुमार ने खुद अपने लिए नई कार पसंद कर ली है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पूर्व से भी इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करते हैं और बताया गया कि मुख्यमंत्री के लिए आने वाली नई कार एक बार चार्ज करने के बाद 600 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लंबी दूरी के लिए इस इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल अब माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और इस कार की कीमत जो है 92 लाख रुपए करीब बताई जा रही है। अगली बार सीट शेयरिंग के सवाल पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश, कहा कि सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। बिहार में लोकसभा चुनाव के सीट शेयरिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया और एक शब्द में कहा कि सीट बंटवारे का काम बिहार में आसानी से हो जाएगा और बता दें कि इससे पहले आरजेडी ने दावा किया कि सीट शेयरिंग का काम पूरा हो चुका है, सभी दलों को उनके हैसियत के मुकाबले सीट दी जा चुकी है और इसको लेकर घोषणा भी जल्द की जाएगी। अगली बड़ी खबर, राज्य के सरकारी सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई किसी भी तरह की शिकायत अब वापस नहीं ली जा पाएगी। झूठी शिकायत करने और बाद में उसे वापस लेने की कोशिश करने वाले आम आदमी एवं अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सेवकों के खिलाफ बढ़ती झूठी शिकायतों को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया है जिसका सीधा मकसद सरकारी सेवकों को ब्लैकमेल करने जैसे मामलों पर रोक लगाई जा पाए। अगली खबर, बिहार में महागठबंधन में शामिल भाकपा माले ने राज्य में 5 लोकसभा सीटों की मांग की है। बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल भाकपा माले ने उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ बैठक के दौरान प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की है। अगली बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को चंपारण से चुनाव प्रचार करेंगे शुरुआत, बेतिया या फिर सुगौली में होगी पीएम की रैली। प्रधानमंत्री मोदी 27 जनवरी को बिहार आ रहे और पीएम मोदी महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की धरती से बिहार के लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। पार्टी के सूत्रों से जानकारी दी गई है कि पूर्वी चंपारण के सुगौली या फिर पश्चिम चंपारण के बेतिया में मोदी जी जो है विशाल रैली करने वाले हैं। एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली बिहार यात्रा होने वाली है। अगली खबर, फिल्मी स्टाइल में बीजेपी नेता पर फायरिंग, चारों तरफ से घेरकर बरसाई गोली। बिहार के आरा जिले में हथियारबंद बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार बीजेपी नेता एवं पूर्व मुखिया को गोली मार दी और फरार हो गए। जख्मी पूर्व मुखिया को एक गोली जो है बाएं हाथ में लगी तो दूसरी गोली उसी हाथ की कलाई में लगी है। यही नहीं, बदमाशों ने उनकी स्कॉर्पियो पर भी ताबड़तोड़ 3 गोलियां दागी जिससे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हमले में घायल 55 वर्षीय विनोद सिंह गढ़हनी के बकवा गाँव निवासी स्वर्गीय गिरजा प्रसाद सिंह के बेटे हैं। अगली खबर, पूर्णिया में होगी राहुल गांधी की रैली, किशनगंज होकर बिहार में प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी दलों की तैयारी शुरू है और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया इस बार भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर घमासान जारी है। जदयू इस बार भाजपा से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरेगी और कांग्रेस और राजद के अलावा वाम दल उनके साथ होगी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे और उनके इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। और बिहार में यात्रा जो है 2 फेज में होगी। पहले फेज की यात्रा के तहत राहुल गांधी इसी महीने जनवरी में ही सीमांचल में प्रवेश कर जाएंगे। अगली खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दानापुर पहुंचे और उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की जिनकी 2 बच्चियों को अगवा करके दुष्कर्म और बाद में की हत्या कर दी गई। एक बच्ची अभी भी जीवन और मौत के बीच झूल रही है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि भाजपा उनकी न्याय की लड़ाई तब तक लड़ती रहेगी जब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती है। ये भी कहा कि अपराध क्षम्य नहीं हो सकता। अगली खबर, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बिहार नापेंगे पीएम मोदी और अमित शाह, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनादन रैलियां करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले बीजेपी बिहार में फुल माहौल बनाने की तैयारी में है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की जनादन रैलियां होने वाली है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार में बीजेपी की रैलियों का कार्यक्रम तय किया जाएगा। जनवरी अंत या फरवरी महीने में इसकी शुरुआत हो सकती है। मोदी और अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सरीखे नेताओं की भी बिहार में चुनावी सभाएं करवाई जाएगी। बड़ी खबर, हिट एंड रन कानून के खिलाफ आक्रोशित ट्रक ड्राइवरों ने पुलिस पर किया हमला, गाड़ी में की तोड़फोड़। नवादा से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जहां पर हिट एंड रन कानून के मामले में आंदोलन कर रहे ट्रक ड्राइवर के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया और पूरी तरह से गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी हमलावर ड्राइवरों पर जमकर लाठियां बरसाई। बड़ी खबर, जहानाबाद पहुंचे एमएलसी जीवन कुमार ने शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के इस्तीफे को लेकर उठ रही अफवाहों पर अपना बयान दिया। जीवन कुमार ने कहा कि उनके कई गलत फैसलों का लोगों ने विरोध किया है।
अब अगर उनकी तबीयत खराब हो गई है तो वह जाकर इलाज करवाएं और बिहार को एक बेहतर ACS की आवश्यकता बताई है। जीवन कुमार ने कहा कि उनके कई ऐसे फैसले रहे हैं जिसका सभी ने विरोध किया था, और फिर चाहे MLC के पेंशन रोकने का फैसला हो या फिर स्कूलों के समय सारणी को लेकर जिसका सभी को नुकसान हुआ है। अगली बार बिहार में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से मेडिकल कॉलेज जाना हुआ आसान, परिवहन विभाग शुरू करेगा स्पेशल सेवा। बिहार में बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से मरीज या फिर उनके परिजनों को अस्पतालों तक पहुंचने में दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए परिवहन विभाग सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक विशेष रूट के माध्यम से बसों का परिचालन शुरू करेगा, और विभाग ने सभी जिला परिवहन कार्यालय को इस संबंध में एक रूट चार्ट बनाने का निर्देश दिया है ताकि मार्च तक जो है परिचालन शुरू हो पाए। फिलहाल बिहार में सरकारी स्तर पर यह सुविधा नहीं है। अगली बार चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए पारस कूट ने बनाया प्लान, बता दें कि इस खास रणनीति पर कर रहा काम। चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए पारस कूट के नेताओं की लगातार बैठकें हो रही है, और इसी क्रम में बिंदुपुर के चकमसूद गांव के एक निजी आवास पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस कूट के पंचायत अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गई, और इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता जो है प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने की, और बैठक में कहा गया कि प्रत्येक बूथ के हिसाब से 5-5 लोगों की एक कमेटी बनाई जाए जो चुनाव को लेकर पार्टी के हित में काम करे, और कमेटी में ऐसे लोगों को ही रखना है जो कि बूथ पर मौजूद रहे। बड़ी खबर बिहार में इंडी गठबंधन की पार्टियों के बीच पावर बोर की स्थिति हो गई है, और पहले तो सभी पार्टी अपनी अपनी दावेदारी कर रही थी, लेकिन अब इनके बीच विरोध का स्वर दिखने लगा है। सीटों पर बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है और बातें बंद कमरे से बाहर आने लगी है। भाकपा माले की लोकसभा चुनाव सीट शेयरिंग कमेटी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद बयान जारी किया और कहा कि जदयू को गैर जरूरी वक्तव्य नहीं देना चाहिए और इससे इंडी गठबंधन जो है कमजोर हो सकता है।